हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। यानी आज हम कुल मिला के तीन चीजें पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एक तो ये है, सेकंड है कि वो है हमारे पास में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और थर्ड है हमारे पास में लास्ट, जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, वो है इक्विलिब्रियम ऑफ सोप बबल, यानी कौन सा, चार्ज सोप बबल। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, यानी ये मेरे पास में एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, इसके सरफेस पे कुल कितना फोर्स लग रहा है। और इसके साथ ही हम एक जो है वो प्रेशर की भी डिस्कस करेंगे कि इस पे जो है वो प्रेशर कितना लगता है, उसकी भी हम जो है बात करेंगे। सो अगर मुझे इस कंडक्टर पे अगर फोर्स निकालना कितना होगा, तो उसके लिए देखो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं यहां पे एक एलिमेंट सेलेक्ट करता हूं, और वो एलिमेंट है मेरे पास में ये ए बी एलिमेंट, ये ठीक। तो और उसके बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन है वो मेरे पास में क्या है, ए सी बी। यानी मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये तो मेरे पास में कौन सा, ए बी, और रिमेनिंग कौन सा है मेरे पास में, ए सी बी। इसके लिए मैंने क्या किया कि अब मैंने दो सिमेट्रिक पॉइंट लिए, एक तो इस कंडक्टर के अंदर लिया और एक इस जस्ट कंडक्टर के बाहर लिया। तो इस कंडक्टर के बाहर मैंने यहां एक कोई पॉइंट लिया, वो है मेरे पास में पी वन। इस तरीके से मैंने यहां पे अंदर कोई एक पॉइंट लिया है सिमेट्रिक, वो है मेरे पास में क्या, पी टू। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब ये चार्ज है और बाकी वाला ये भी चार्ज है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहूं चार्ज के कारण, और वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो देखो, इस एबी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन इधर ही तो होगी, उसको डाल रहा हूं मैं नाम क्या, E1। क्लियर? अब इस रिमेनिंग पोर्शन के कारण भी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब इससे क्या होगी, दूर होगी, तो यहां पे इसकी डायरेक्शन भी क्या यही रहेगी, ये मेरे पास में क्या है, E2। क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद में मैं यहां पर रहता हूं P2 पे। तो देखिए, इस AB के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पे, वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, यानी E1। और इस रिमेनिंग पोर्शन के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस तरफ अपोजिट साइड में, किसके, E1 के। तो ये है मेरे पास में क्या, E2। क्लियर है? तो देखो, यहां से डायग्राम से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर मैं इस P1 पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो वो मेरे पास में क्या, E1 प्लस E2 है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, और ना P2 की बात करता हूं, है ना, फॉर पॉइंट P1, और यहां पर लिख लेता हूं फॉर पॉइंट P2। सो ये हो जाएगा मेरे पास में EP2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास में सेकंड। यहां पर क्लियर है? बोलो, आगे बढ़े। अब ध्यान से देखना, E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट कहां है, कंडक्टर के अंदर है, तो इसका मतलब मुझे बताइए, क्या कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज होता है, नहीं होता है। अगर चार्ज नहीं होता है तो इसका मतलब क्या, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस P2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। सो यहां पे लिख सकता हूं मैं कि EP2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज पॉइंट P2 इज इनसाइड द कंडक्टर। और किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। तो वही है कि P2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। बिकॉज क्यों, क्योंकि यहां पे चार्ज क्या है, 0 है। अगर चार्ज 0 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, 0 होगी। सो यहां पे मैं वैल्यू रख लेता हूं इसकी, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 0 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू E2, यानी E1 और E2 की वैल्यू क्या है, इक्वल है। और इसको मैंने लेट कर लिया किसके इक्वल, E के इक्वल। ये मैंने जो है क्या कर लिया, इसको E के इक्वल जो है वो लेट कर लिया, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, मैंने इसको E मान लिया, ठीक, ओके। अब मैं क्या करता हूं, इस E1 और E2 की जगह ये E लिख सकता हूं, तो ये लिख सकता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरे पास में देखो EP1 इज इक्वल टू E प्लस E, तो EP1 इज इक्वल टू, ये मेरे पास में हो गया क्या, 2E। बोला जाता, क्लियर है, ठीक। अब देखो, इस P1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या आपने ये चीज पढ़ी है जब हमने जो है वो गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी, कौन सी,
थर्ड एप्लीकेशन कि किसी कंडक्टिंग सीट के कारण, अरे बात समझ में, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सीट के कारण उसके नियर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कंडक्टर ही तो है, अरे बात समझ में, ये कंडक्टर ही तो है। मैंने यहाँ पे ये थोड़ी बोला कि स्फेरिकल है वगैरह, बट मैंने ये माना ऐसा कि ये एक ऐसा, ठीक है मैं सर्कुलर बना लिया है एजेंसन के कारण। तो बट अगर मैं बात करूँ किसी कंडक्टर के कारण, किसी भी कंडक्टिंग या मटेरियल या कोई भी कंडक्टर हो उसके नियर अगर कोई पॉइंट हो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ठीक है, सो ई पी वन इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू टू ई, और ये हो जाएगा मेरे पास में ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। क्या यही ई वन और ई टू की भी तो वैल्यू होगी, यही तो होगा सेम, बिकॉज ई को मैंने यही तो लेट किया था। तो ई वन और ई टू की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ पे भी रख लो ना, देखो ई वन की वैल्यू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे रखो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, कट जाएगा क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। तो ये मेरे पास में जो है E1 और E2 की वैल्यू आ गई। ठीक, अब आ जाता हूं मैं यहाँ पे इस एलिमेंट पे। तो देखिए, अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे ही कंडक्टर का एरिया जो है वो क्या होगा, वो A मानता हूं, तो इसका मतलब इस छोटे से एलिमेंट का जो एरिया मानता हूं वो मैं क्या होगा, मेरे पास में डी ए होगा। बोला जाता क्लियर है। अगर इस पूरे ही कंडक्टर पे चार्ज अगर क्यू है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, तो इसका मतलब इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट की, इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो डी क्यू तो होगा। बोलो, आ रही बात समझ में, यही तो होगा। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे क्या निकालना है, इस पर फोर्स निकालना है। तो फोर्स के लिए किस चीज की जरूरत होगी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक चार्ज की, बिकॉज हमने पढ़ा है फोर्स इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ये पढ़ा है हमने। ठीक है, सो फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट, फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट ए बी, स्मॉल एलिमेंट ए बी, क्लियर है यहां तक। सो अगर मुझे इसमें फोर्स निकालना है और मुझे पता है कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, यही होता है। बट अगर मैं छोटे से एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो यहां पे फोर्स भी कितना लगेगा, छोटा सा फोर्स लगेगा, और वो क्या होगा, डी क्यू। बोलो क्लियर है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी जगह एक जैसी होगी, E की वैल्यू। सो E की वैल्यू जो मैं वहां पे रख लेता हूं, ठीक है। सो डी एफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, मैं इस E को पहले लिख लेता हूं, E की वैल्यू मेरे पास में सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और फिर ये मेरे पास में डी क्यू। बोलो क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, समझ में, अगर मैं आपसे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो आपका आंसर होगा क्या, Q अपॉन A, यानी कि इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश। लेकिन मैं छोटे से एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं यहां पे चार्ज क्या लूंगा, स्मॉल, और एरिया भी क्या लूंगा, स्मॉल। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे पास में, डी क्यू बाई डी ए, और यहां से अगर मैं डी क्यू की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो आएगा मेरे पास में सिग्मा इंटू डी। ये वैल्यू क्या करता हूं मैं यहां पर रख लेता हूं, तो डी एफ इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा, अगर ये सिग्मा यहां पे रखोगे तो सिग्मा इंटू सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरे पास में डी। क्लियर, तो ये मेरे पास में फोर्स आया कहां पे, एक स्मॉल एलिमेंट पे। अगर मैं इस कंडक्टर को ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूं और मैं उन सबके फोर्स को, मतलब सभी एलिमेंट पे लगने वाले फोर्स का सम कर दूं, तो मेरे पास में टोटल फोर्स आ जाएगा। उसके लिए मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन कर लूंगा। सो टोटल फोर्स On the surface of conductor, on the surface of conductor, तो वो मेरे पास में होगा F is equal to integration of ds. Clear? So ये मेरे पास में आ जाएगा F is equal to integration sigma square upon 2 epsilon naught, और फिर ये dE. बोला जाता क्लियर है? अच्छा, इसका ये जो इसका रिजल्ट है ना, एक हम और तरह से भी निकाल सकते हैं। मान लो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, तो ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे इसको ऐसा लिख लेता हूं, मैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं यहां पे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दू, ये डी ए तो ऐसा कैसे रखा, मैंने क्या किया यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो देखो नीचे क्या हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया ना,
एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया ना, और मुझे पता है कहाँ गया ये। चलो आप ये भी देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है ना, और अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दूं दोनों पे तो यहाँ पे भी तो स्क्वायर हो जाएगा। तो आप खुद चेक कर लो कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्या है, ई स्क्वायर हो चुका है और ये एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इसको बाहर ले लेते हैं। सो फाइनली जो मेरे पास में रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और फिर डी। तो ये भी एक फॉर्मूला है फोर्स का, आ रही बात समझ में? तो दोनों एक ही ध्यान रखना, बस मैंने क्या किया यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेट किया उसको। अब मैं अगर बात करूं आपसे प्रेशर की, आपसे अगर मैं पूछूं प्रेशर कितना होगा इस स्मॉल एलिमेंट पे, सो प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो प्रेशर हम जानते हैं कि क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं छोटे से एलिमेंट की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास में डीएफ अपॉन डीए, यही होगा। और डीएफ की वैल्यू मेरे पास में ये रही यहां से, तो ये मेरे पास में सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई डीए डिवाइडेड बाय डीए। तो देखो डीए से डीए कट जाएगा, ये प्रेशर मेरे पास में आ जाएगा। सो पी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। और अब वही मैं यहां पे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या, यही तो निकल के आएगा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक प्रेशर, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक प्रेशर। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड्स, ये ध्यान रखना। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, आउटवर्ड्स होगी, बिकॉज क्यों, क्योंकि फोर्स इस तरफ लगेगा। अरे बस अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है एक दूसरे वाला करता है, रिपेल करता है ना, तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, इस तरफ ही तो होगी, ठीक है। तो ये था मेरे पास में इलेक्ट्रिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। यहां पे मैंने कुछ नहीं किया, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये सिग्मा स्क्वायर और नीचे भी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैंने आपको बताया था क्या होता है, ई होता है, तो ये मेरे पास में यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर हो जाएगा और एक एप्सिलॉन नॉट ये रहा। सो ये था मेरे पास में कि किसी भी हम चार्ज कंडक्टर पे उसके सरफेस पे जो है वो कैसे फोर्स कैलकुलेट करते हैं, ये है उसकी डेरिवेशन। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, वो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने क्या किया है कि ये एक स्फेरिकल कंडक्टर मैंने जो है वो एक कंसीडर किया है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो आपका आंसर होगा जीरो, क्लियर। और इसके बाहर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, ई इज इक्वल टू कितना था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमें पता है, ठीक है, यही था। अच्छा अब मुझे क्या करना है कि इसके जो पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट करना है, आ रही बात समझ में? अब देखो एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपने 11th के अंदर आपने वर्क पढ़ा है, तो अगर हम किसी भी सिस्टम पर अगर कोई वर्क करते हैं तो वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, आ रही बात समझ में? तो यानी मैं करना क्या चाह रहा हूं कि ये मेरे पास में कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक, इस पे कुछ चार्ज है पहले से ही, अगर कंडक्टर इसका में चार्ज तो कुछ ना कुछ होगा पहले से। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पे और चार्ज बढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं अब इस पे और चार्ज बढ़ा रहा हूं, तो चार्ज अगर मुझे इस पे बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मुझे वर्क करना पड़ेगा। अच्छा अगर जब मैं इस पे चार्ज बढ़ाऊंगा तो क्या इसके वॉल्यूम में भी तो इंक्रीज होगा, मतलब कि जब मैं इस पे चार्ज बढ़ाऊंगा इसके वॉल्यूम में भी तो इंक्रीमेंट होगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज कम्स विथ मास, यानी इसका पहले से तो कुछ मास था, फिर मैं इस पे चार्ज बढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब उसके जो वॉल्यूम में वो भी क्या आएगा, फर्क आएगा, मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा, फिर इंक्रीज होगा। तो देखो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ चार्ज, जैसे मैं चार्ज को क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ ऑन कंडक्टर, या टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे बात समझ में? और तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एन अपोजिट वर्क अगेंस्ट फोर्स, अरे बात समझ में? मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं बात करूं इस पॉजिटिव चार्ज से, अगर ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर फोर्स लगाएगा तो किस डायरेक्शन में लगाएगा, आउटवर्ड इस पे लगाएगा, अरे बात समझ में? और मैं क्या कर रहा हूं, चार्ज इस पे और दे रहा हूं, तो पहले से तो चार्ज प्लस है ही, और जब प्लस और आ जाएगा तो उसमें क्या करेगा, धक्का मारेगा ना, तो धक्का मारेगा तो मुझे वर्क क्या करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे,
रिपेल करेंगे, मेरे पास में पहले से पॉजिटिव चार्ज है, मैं और पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ, तो पॉजिटिव पॉजिटिव उसमें वो रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे करो चार्ज इंक्रीज करना है मुझे, तो चार्ज इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब चार्ज इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है यहाँ तक? सो वही है। सो एन अपोजिट वर्क अगेंस्ट फोर्स इज डन दैट इज स्टोर्ड एज एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वही वर्क क्या होगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ा जाए तो चलिए अब मैं बात करूं कि जब मैं इस पे चार्ज को इंक्रीज करूंगा तो इसमें फोर्स लगेगा, ठीक है, और फोर्स के लिए हमने पिछले जो डेरिवेशन कर लिए फोर्स के लिए और प्रेशर के लिए भी, तो अगर मैं प्रेशर की बात करूं, प्रेशर और वो भी कौन सा, इलेक्ट्रिक प्रेशर, इसको इलेक्ट्रिक प्रेशर लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर जो आउटवर्ड लग रहा है इस कंडक्टर पे वो क्या है, P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही तो है, ये हमने पढ़ लिया है, क्लियर, ये लो। अच्छा अब ध्यान से देखना, जब अगर मैं इस पे चार्ज इंक्रीज करूंगा तो क्या इसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा, तो मैंने मान लिया कि इसकी वॉल्यूम में जो है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक, इसके वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो क्या इंक्रीमेंट होगा, अगर छोटे से इंक्रीमेंट की बात करूं तो डीवी, टोटल की बात करेंगे तो वी आ जाएगा मेरे पास में, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, ये वाला डिस्प्लेसमेंट वो है मेरे पास में क्या, डी आर, बिकॉज ये आर रेडियस का मेरे पास में इस तरह था और जब मैंने इस पर चार्ज इंक्रीज किया है, जैसे मैं ये लो चार्ज इंक्रीज करता हूं, तो चार्ज इंक्रीज करने पे जो इस पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा हल्का सा छोटा सा वो क्या होगा, डीवी होगा, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या, डी आर है, ठीक है, ओके। अब अगर बात करूं मैं यहाँ पे फोर्स की बात करता हूं, तो फोर्स मेरे पास में क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, और एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। क्लियर है तक? ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा अब ये हल्का सा वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ जिसका मतलब कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, तो अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क डन वो मेरे पास में क्या होगा, W इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, बट यहां पे छोटे से डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इसका मतलब वर्क भी कितना क्या होगा, मैंने स्मॉल वर्क डन क्या होगा, ये मेरे पास में, सो DW इज इक्वल टू F डॉट DR, सो F की वैल्यू मैं यहां पे रख लेता हूं, सो DW इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ये मेरे पास में A और फिर मल्टीप्लाई DR। क्लियर है यहां तक? अच्छा एक चीज देखो अब यहां पे आप, ये कुछ बन रहा है क्या, एरिया इंटू डिस्टेंस, अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है, मतलब स्क्वायर में होता है, डिस्टेंस किसमें होती है, मीटर में होती है, सो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, क्या ये मीटर क्यूब बना, और क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है, सो मेरे पास में ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या मैं डीवी लिख सकता हूं, बोला यार क्लियर है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये मेरे पास में जो है वो क्या आ गया, छोटा सा वर्क डन आ गया, ठीक है, और इसी को मैं क्या बोलूंगा, एनर्जी, ठीक, इतनी सी एनर्जी जो है वो क्या हुई, इसमें स्टोर हुई। अब बट मुझे क्या निकालनी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये तो मेरे पास में है, तो अगर मैं बात करूं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो देखो मेरे पास में एनर्जी होगी U इज इक्वल टू पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो मेरे पास में dW अपॉन dV, बिकॉज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, dV से क्या करूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा सीधा, तो ये मेरे पास में हो जाएगा dW कितना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dV डिवाइडेड बाय फिर ये dV, सो dV से ये dV कैंसिल आउट हो गया और आपके पास में एनर्जी आ गई पर यूनिट वॉल्यूम में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब वही इसी को अगर मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, यहां एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास में ई स्क्वायर और एक एप्सिलॉन नॉट मेरे पास में बच जाएगा। ये है मेरे पास में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से जो है हम कैलकुलेट करते हैं, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक, वो है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज ऑफ बबल। यानी अब हम जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पता करेंगे कि किसी भी चार्ज ऑफ बबल की क्या होती है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक ये सॉप बबल कंसीडर किया जिसकी रेडियस क्या है, आर है। क्लियर। अब देखना कि हम जानते हैं कि अगर ये मेरे पास में सॉप बबल है तो इसमें क्या होगी, एयर होगी। उस एयर के कारण क्या लगेगा, इस पे एक प्रेशर लगेगा बाहर की ओर। अरे बात समझ में, यानी इस पे जो एयर के कारण जो प्रेशर लगेगा यहां पे इस तरीके से, ये जो प्रेशर लगेगा उसको मैं नाम दे रहा हूं क्या, पी इन। अरे बात समझ, बिकॉज क्यों लग रहा है ये, क्योंकि एयर के कारण, क्योंकि आपको पता है कि सोप बबल जो है वो क्या होता है, फैलता है ना। बिकॉज वो क्यों फैलता है, क्योंकि उसके क्या लगता है, अंदर से एक प्रेशर लगता है। और इस तरीके से अगर अंदर प्रेशर लग रहा है तो बाहर भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। इसका मतलब इसके बाहर की ओर से क्या लग रहा है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, उसको मैं नाम दे रहा हूं क्या, पी आउट। बाहर से भी तो प्रेशर लगेगा है ना, और ये अंदर से लग रहा है ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज कि अगर ये मेरे पास में सॉप बबल है तो एक लिक्विड है, और लिक्विड में आपको पता है क्या होती है, एक सरफेस टेंशन होती है, और सरफेस टेंशन के कारण क्या लगता है, एक प्रेशर लगता है। वो प्रेशर आपको पता है कि वो क्या होता है, पी इज इक्वल टू 4T अपॉन आर। याद करो वो दिन जब आपने 11th के अंदर ये सॉप बबल की कंडीशंस पढ़ी थी आपने, तीन है ना, एक तो उसके सरफेस पे है ना, एक आउटसाइड, एक इनसाइड, तो ये कंडीशन यही तो थी, एक उसमें से 40/R। आई बात समझ में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज जो आपकी पिछली क्लास में अगर आपने नोट्स बनाए होंगे, अगर आपने समझा होगा तो ये चीज देखना कि वहां पे हमने जो सरफेस पे जो प्रेशर लिखा था सरफेस टेंशन के कारण, वो क्या था, 40/R था। सो वेयर टी क्या है, सरफेस टेंशन। क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि ये जो मेरे पास में बबल है, ये जो मेरे पास में बबल है ये ब्रेक ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों ही प्रेशर का सम इस अंदर वाले प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। आरी बात समझ में, अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि जितना फोर्स बाहर से लग रहा है उतना फोर्स अंदर से भी लग रहा है। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहां पर लिखता हूं मैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर बबल या सोप बबल, तो उसके लिए क्या होगा, पी इन इज इक्वल टू पी आउट प्लस पी, या इसको मैं ऐसा लिख लू 40/R। ये क्लियर यहां तक। अब इसको मैं क्या करता हूं, इस तरफ लेके आ जाता हूं। सो पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू 40/R, और इस पी इन माइनस पी आउट को हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर 40/R, इसको बोला जाता है एक्सेस प्रेशर। यानी ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम की कि जब जो मेरे पास में सॉप बबल होता है वो ब्रेक ना हो, पी एक्सेस इज इक्वल टू 40/R। अगर ये ज्यादा हो गया, अगर 40/R ज्यादा हो गया तब भी सॉप बबल जो है वो फट जाएगा, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा। अगर ये पी एक्सेस ज्यादा हो गया तब भी सॉप बबल क्या होगा, फट जाएगा। मतलब दोनों को क्या रहना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में रहना पड़ेगा, मतलब बराबर रहना पड़ेगा। क्लियर यहां तक। अब बात करते हैं कि पी जो इस प्रेशर की डायरेक्शन है, इस एक्सेस प्रेशर की डायरेक्शन है वो किस तरफ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पी इन माइनस पी आउट में से ज्यादा कौन है, ऑब्वियसली बात है कि पी इन ज्यादा है, पी आउट कम है। बिकॉज जो प्रेशर लगता है वो बाहर की ओर ही तो लगता है, मतलब जो सॉप बबल है वो फैलता है ना, तो इसका मतलब ऑब्वियसली अंदर से प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, फिर बाद में जाके तो वो फटता है। तो यही चीज है। तो पी यहां पर लिख लेता हूं मैं, पी इन इज ग्रेटर देन पी आउट, अंदर वाला प्रेशर ज्यादा होता है बाहर वाले से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो इसकी डायरेक्शन तो मुझे पता चल गई क्या है, आउटवर्ड, ठीक है ना, बिकॉज पी इन ज्यादा है पी आउट कम है, तो पी एक्सिस तो इसी से निकला, मतलब पी इन माइनस पी आउट का अपन क्या लिखता है, एक्सिस लिखते हैं, और जो डायरेक्शन है वो उसकी क्या होती है, आउटवर्ड्स होती है। यानी इसकी डायरेक्शन जो है वो है क्या, आउटवर्ड्स डायरेक्शन। यहां पे मैं लिख दूं ऐसे, ऐसा लिख लेता हूं यहां पे, जैसा ये मेरे पास में किसकी डायरेक्शन है, एक्सिस प्रेशर की डायरेक्शन। क्लियर। अच्छा,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सोप बबल को चार्ज करता हूँ। अभी चार्ज नहीं किया है, अब इसको चार्ज करने जा रहे हैं। तो देखिए, जब मैं इसको चार्ज करूंगा, चलिए इसको चार्ज कर लेते हैं। अब जब मैंने इसको चार्ज किया तो आपको पता है कि इस पे क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर लगेगा, जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रिक प्रेशर वो क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही तो है मेरे पास में इलेक्ट्रिक प्रेशर। ये क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेशर। आगे बात समझ में। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, आउटवर्ड से तो होती है। तो यानी जो मेरे पास में P इलेक्ट्रिक यानी प्रेशर कौन सा, इलेक्ट्रिक, वो भी क्या होगा मेरे पास में, आउटसाइड ही तो होगा। अरे बात समझ में। अब जब मैंने इसको चार्ज कर दिया है तो देखिए, P एक्सिस की डायरेक्शन इस तरफ और इलेक्ट्रिक प्रेशर की भी डायरेक्शन इस तरफ, यानी एक्सिस प्रेशर और इलेक्ट्रिक प्रेशर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसका मतलब दोनों ही क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अब यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर चार्ज सॉफ्ट बबल। अब यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, चार्ज सॉफ्ट बबल की बात कर रहा हूं, चार्ज सॉफ्ट बबल की बात कर रहा हूं। तो वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, पी एक्सिस प्लस P इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 40/R। यानी अब इसके अंदर क्या हो जाएगा मेरे पास में, एक और प्रेशर ऐड हो जाएगा, वो कौन सा, इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब मैं बात करूं P इलेक्ट्रिक की, तो ये मेरे पास में कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड नाउ 40/R। अब ध्यान से देखना, अब हम ये चाहते हैं कि जो बबल है वो ब्लास्ट ना हो, वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो इसका मतलब इस एक्सिस प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, इस एक्सिस प्रेशर क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि आप देखो जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे ना इस पे, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक प्रेशर को, या इलेक्ट्रिक जो सॉरी इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या, एक्सिस प्रेशर, इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम पी एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास हो जाएगा ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 40/R। अब यहां से हम जो है वो दो वैल्यू निकालेंगे और एक और निकालेंगे, तो मतलब हम जो है वो तीन वैल्यू निकालेंगे। एक तो निकालेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की, एक निकालेंगे हम रेडियस, और एक निकालेंगे हम यहां से चार्ज, ठीक है। तीन वैल्यू हम निकालेंगे। तो अगर मैं बात करूं यहां से सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो ये दोनों को उस तरह शिफ्ट कर देता हूं, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8T epsilon naught / R। क्लियर। और अगर मुझे यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो ये मेरे पास में स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहां से मैं निकाल सकता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक फॉर्मूला तो ये आ गया, ये न्यूमेरिकल में पूछा जाता है ना। अब अगर बात करूं कि इस बबल की रेडियस कैलकुलेट करनी है, तो क्या करूंगा, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास में रेडियस, तो ये तो हो गया मेरे पास में क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये मेरे पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ अब बात करता हूँ रेडियस की, तो रेडियस मेरे पास में हो जाएगी R इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 8 एप्सिलॉन नॉट T, या 8T epsilon naught E की वैसे याद रख लो, 8T epsilon naught, और ये सिग्मा स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये सिग्मा स्क्वायर। तो यहां से जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस को। अब बात करें हम यहाँ पे किसके चार्ज की, तो देखो चार्ज, तो चार्ज हम जानते हैं कि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ए, यही तो होता है। और सिग्मा की बात करूं तो ये रहा मेरे पास में वैल्यू, √8T epsilon naught / R, और एरिया क्या होता है मेरे पास में, 4π R²। बोलो यहां तक क्लियर है, क्लियर है सर। अब ध्यान से देखना, 4π को तो मैं बाहर ले लेता हूं, ये जब R स्क्वायर अंदर जाएगा ना, तो क्या ये R की पावर 4 होगा, बिकॉज अगर स्क्वायर रूट में अगर R की पावर 4 होता है तो बाहर आएगा कितना होगा, R स्क्वायर तो होगा। अगर मैं बात करूं ये इसकी वैल्यू, तो क्या होगी, R स्क्वायर तो होगी। तो R स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, R की पावर 4 ही तो होगा, और ये 1R से क्या होगा, 1R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास में लास्ट जो बचेगा वो बचेगा 8T epsilon naught / R³। ये है मेरे पास में चार्ज का फॉर्मूला, और ये रेडियस।
तो इस तरीके से हम जो है वो तीन चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, एक तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कर सकते हैं, रेडियस कर सकते हैं और चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा पढ़ने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड लक एंड गुड बाय।